मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ के मद्देनजर नगर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने शनिवार दोपहर हेलीकॉप्टर से इलाहाबाद पहुंचे। पुलिस लाइन से सफारी से हाईकोर्ट के पास स्थित पानी की टंकी चौराहे गए। वहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सतीश कुमार से सुरक्षा उपायों पर जानकारी ली, साथ ही यहाँ चल रहे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने को कहा। पुल पर क्रॉस बीम की मजबूती को लेकर भी योगी ने तमाम पूछताछ की और बिजली के जर्जर पुल हटाने के निर्देश दिए। बाद में बख्शी बांध गए। बांध पर चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण का कार्य चल रहा है। बांध पर मुख्यमंत्री ने अफसरों से काम की प्रगति जानी। मुख्यमंत्री ने बाद में सर्किट हाउस में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों व अफसरों के साथ बैठक की। इसमें कुंभ 2019 के शाही स्नान के पर्वों की तिथियों की घोषणा की गई। कुंभ का पहला शाही स्नान मंगलवार 15 जनवरी 2019 को मकर संक्रांति पर होगा। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या को सोमवार 4 फरवरी 2019 को होगा। वसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान रविवार 10 फरवरी 2019 को होगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि कुंभ के प्रमुख आकर्षण अखाड़े व साधु संत होते हैं, इसलिए अधिकारी मेले की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए संतों की भी सलाह लेते रहें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के शनिवार सुबह 11 बजे बागमुंबरी मठ में आयोजित बैठक में शाही स्नान के बहिष्कार के फैसले को वापस ले लिया गया। साथ ही तीनों अन्य अखाड़े अपनी अपनी व्यवस्था खुद करेंगे के प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया गया। इसमें तीनों अन्यों की व्यवस्था एक साथ करने का निर्णय लिया गया। अखाड़ा परिषद ने सभी अखाड़ों से अपने महामंडलेश्वर और श्री महंत की सूची तैयार कर प्रशासन को देने का निर्देश दिया, जिससे कुंभ में कोई परेशानी न हो। बैठक में जिन अखाड़ों ने अभी जमीन खरीदी है उनसे भी ब्यौरा मांगा गया, जिससे उनके यहाँ भी शासन से निर्माण कराया जा सके। बैठक में श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के महामंत्री श्री महंत सत्यगिरि के प्रस्ताव पर भवानंद पीठ काशी और हरिद्वार के पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साथ ही आचार्य कुशमुनि के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव पास हुआ। अरिया खोखराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह नवाबगंज थाना क्षेत्र के मलाक बलौ गांव के सामने ग्रामीणों ने एक बोरा पड़ा देखा। पास जाकर पता चला कि उसमें किसी युवक का शव है, जिसका गला रेता गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि यह शव शिवकुटी थाना क्षेत्र के महंदौरी निवासी वसीम का है। वह 2 दिन से घर से लापता था। शिवकुटी थाने में घरवालों ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। ATS व इलाहाबाद पुलिस ने सट्टेबाजों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। ATS से मिली सूचना के आधार पर इलाहाबाद पुलिस ने मानसौर इलाके में शनिवार को छापा मारकर 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 22,90,000 नकद, 22 मोबाइल, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया गया है। वाराणसी में हुए फ्लाईओवर हादसे के बाद लोक निर्माण विभाग के मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेसियों के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेसियों ने केशव मौर्य से इस्तीफा मांगा है। साथ ही रामबाग में बन रहे फ्लाईओवर के पिलर पर नींबू मिर्चा टांगकर सही सलामत निर्माण की दुआ भी मांगी। केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर पिलर पर लगाकर उस पर भी नींबू मिर्च की माला चढ़ाई और बुद्ध शुद्धि यज्ञ भी किया गया। इस दौरान केशव मौर्य की आरती भी गाई गई। करेली के मुन्ना मस्जिद के पास लगे इंडिकैश के ATM में गुरुवार रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। आग देख पड़ोसी ने शोर मचाया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया पर फायर ब्रिगेड का फ़ोन नहीं उठा। यह देख एक युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप पर आग की फ़ोटो वायरल की। इसे देखकर एडिशनल SP सुकृति माधव ने तत्काल दमकल को मौके पर भेजा। दमकल ने पहुंचकर आग पर नियंत्रण किया। दमकल कर्मियों का कहना था कि ATM का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से जल गया है, नीचे का हिस्सा सुरक्षित है। ऐसे में हो सकता है ATM के अंदर रखा गया रुपया सुरक्षित हो। सिंचाई विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के दफ्तर के बाहर शुक्रवार को गेट सभा की। इस दौरान अधीक्षण अभियंता का पुतला फूंका गया। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा न किया गया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। सदस्यों ने इससे पूर्व DM को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल सका। इससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश रहा। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही उठापटक का असर संगा नगरी में भी देखने को मिला। कांग्रेसियों ने लोकतंत्र बचाओ दिवस के तहत बालसन चौराहे पर धरना दिया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पुतला भी फूंका गया। बाद में धरना समाप्त कर कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहां भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन DM को सौंपा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश परीक्षा UGAT शनिवार से शुरू हो गई। BA, BSc, BCom समेत अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षाएं 19 व 21 मई को 2-2 पालियों में आयोजित होंगी। इसमें कुल 70,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 19 मई को पहली पाली में BA की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 28,097 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इसके लिए शहर में 22 सेंटर बनाए गए हैं। दूसरी पाली में BPA, BFA की परीक्षाएं हुई। इसमें 1,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। राज्य सड़क परिवहन निगम के झूसी स्थित वर्कशॉप में खड़ी बसों में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई।
लपटें देख कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ ही कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन नाकाम रहे। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफ़ी देर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक चारों बसें खाक हो गई थीं।